सुबह 4:30 उठ जाता हूँ उसको याद कर। गुजरे जमाने के एक्टर धर्मेंद्र के बारे में ये बात तो सभी जानते होंगे कि उन्होंने लाइफ में 2 बार शादियां की है। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी, वहीं उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की थी। हालांकि आपको बता दें कि उनकी पत्नी एक दूसरे से दूर ही रहती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उनकी पत्नी एक दूसरे से दूर ही रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि एक फोटो है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां एक ही फ्रेम में नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इस फोटो को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर अगल बगल में ही खड़ी है। प्रकाश कौर के पास खड़ी हेमा मालिनी काफी खुश नजर आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये फोटो किसी फंक्शन का ही है, जिसमें धर्मेंद्र के साथ और भी सेलेब्स दिख रहे हैं। और ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने शादी करने से पहले हेमा मालिनी उनकी पत्नी प्रकाश कौर से कई बार मिली, लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ शादी की और प्रकाश कौर के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए और फिर हेमा मालिनी कभी भी प्रकाश कौर से नहीं मिली। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि वे अपनी पत्नी प्रकाश कौर और चारों बच्चों तक को छोड़ने को तैयार थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से भी मना कर दिया था। फिर दोस्तों धर्मेंद्र ने धर्म बदल कर हेमा मालिनी के साथ शादी कर ली। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 2 मई 1980 को शादी की थी। और दोस्तों इस शादी में सिर्फ हेमा मालिनी के भाई और भाभी ही शामिल हुए थे। शादी के बाद हेमा मालिनी 2 बेटियों की मां बनी, ईशा देओल और आहना देओल। हालांकि हेमा से शादी करने के बाद धर्मेंद्र की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। पहली पत्नी से उनके संबंध खराब हो गए थे। प्रकाश कौर ने अपने मात्र एक इंटरव्यू में कहा था, धर्मेंद्र बहुत अच्छे पिता और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वे अच्छे पति नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने महज 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर के साथ शादी की थी। और इस शादी से धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, 2 बेटियां अजिता और विजेता। धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली थी और वह धर्मेंद्र के पहले परिवार से दूर ही रही। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, शादी के बाद उन्हें पति के साथ रहने का कम ही मौका मिला, लेकिन उन्होंने जितना भी वक्त गुजारा उससे वे खुश हैं। फिलहाल दोस्तों आपका प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की फोटो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।